जेक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। बेपरवाह हुए जांजगीर जिला के मजदूर, बिना सूचना दिए जा रहे दिगर राज्य। जांजगीर जिला के मजदूर लापरवाही पूर्वक दिगर राज्य जा रहे हैं। वहां फंसने के बाद उन्हें शासन की याद आती है, जबकि शासन प्रशासन में इन मजदूरों के लिए कई योजनाएं लागू की है, जिससे उन्हें संकट परिस्थितियों आसानी से रेस्क्यू किया जा सके। इसके बावजूद भी मजदूर इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं। ताजा मामला आज जापा रेलवे स्टेशन में देखने को मिला है, जहां बड़ी संख्या में मजदूर दिगर राज्य रोजी मजदूरी के लिए जा रहे थे। जब उनसे पूछा गया तो वे स्वयं की मर्जी से जाना बताए। उन्होंने अपना पंजीयन नहीं कराया था। जब उनसे पूछा गया कि पंजीयन क्यों नहीं कराया गया है, तब वे इससे अपने आप को अनभिज्ञ बताए, उल्टे मीडिया पर अपना गुस्सा निकालने लगे। बहरहाल सामाजिक संगठन के प्रयास के बाद भी शासन भी उन्हें नहीं रोक पाई। छत्तीसगढ़ एक भट्टा मजदूर संघ को आज सुबह जानकारी मिली कि बड़ी संख्या में मजदूर चांपा के रेलवे जंक्शन में ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। तब संगठन के पदाधिकारी उनके पास पहुंचे और ग्राम पंचायत में जानकारी देने की जानकारी लिए, लेकिन उन्होंने गांव से बाहर जाने की जानकारी किसी को नहीं दी थी। संगठन ने अपना मजदूर पंजीयन करा ले और जहां जा रहे हैं वहां का पता बता दें, लेकिन वे दिहाड़ी मजदूरों का हवाला दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष इसी तरह पलायन करते हैं। मौजूद सभी मजदूरों ने भी ठेकेदार का नाम नहीं लिया, जिसकी वजह से श्रम अधिकारी भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन बड़ी संख्या में मजदूरों का एक साथ पलायन करना और वह भी स्वयं से समझ से परे है। हालांकि अधिकारी ने सभी मजदूरों के नाम पता ले लिए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का एक भट्टा मजदूर संघ लगातार कई वर्षों से मजदूरों पर कार्य कर रही है। कुछ दिनों पहले ही इन्हीं मजदूरों की तरह रायपुर के एक पाइपलाइन में काम करने के लिए लिए गए थे, जिन्हें वहां बंधक बना लिया गया था और उन्हें बिना पैसे के काम कराया जा रहा था, जिन्हें इस संगठन ने रेस्क्यू कर लाया है। बंधक बनाई गई महिला मजदूर ने बताया कि वह रायपुर के एक पाइपलाइन में काम करने के लिए गए थे, जहां उन्हें बंधक बना लिया गया था और बिना पैसे दिए ही महीने भर तक काम कराया जा रहा था। जब पैसे की बात आती है तो वह लोग डांट फटकार करते थे, मजदूरों को भरपेट भोजन भी नहीं देते थे। आपको बता दें कि जिला से प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में दिगर राज्य पलायन करते हैं, जिन्हें ठेकेदारों द्वारा ले जाया जाता है। ठेकेदार मजदूरों को वहां छोड़कर वापस घर आ जाते हैं, जिनके बाद अधिकांश मामलों में मजदूरों से जबरन काम कराया जाता है और उन्हें काम का सही दाम भी नहीं दिया जाता है, जिसके बाद वे ठेकेदार पर पैसे का आरोप लगाते हैं, फिर शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हैं। जांजगीर पामगढ़ से इंद्रदास महंत की रिपोर्ट। जी सर, हम लोग यहाँ पे मतलब छत्तीसगढ़ मजदूर संघ का हमारे संस्था है और हम लोग यहाँ हम लोगों को पता चला कि बहुत भारी मजदूर लोग जा रहे हैं कमाने खाने के लिए बाहर। तो हम लोग प्रशासन लोगों से, लेबर ऑफिस से सर लोगों को हम लोग सहायता के लिए बुलाए और उन लोग आकर यहाँ पर हमारे सहायता मदद किए। प्रशासन लोग, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ और सभी लोगों का दस्तखत साइन करवा के उन लोग स्वयं का जिम्मेदारी उन लोग स्वयं जा रहे हैं, किसी ठेकेदार के में नहीं जा रहे हैं, ऐसा मजदूर लोग बता रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे आकर उन लोगों का पूरा सब सिग्नेचर वगैरह करवा कर भेज जा रहे हैं उन लोग। जी कहाँ जा रहे हैं? जम्मू। पंजीयन कराए हैं जिला जांजगीर से? नहीं, अब मालूम नहीं था तो नहीं करवाए हैं। बार बार तो कलेक्टर साहब आदेश दे रहे हैं सरकार, तो गांव के लोगों को बताना चाहिए ना, सरपंच को बताना चाहिए, तभी तो हम करवाएंगे। अच्छा, आपके पास पंजीयन नहीं है बाहर जाने का? नहीं है। कौन है ठेकेदार आपका? ठेकेदार मैं बता रही हूँ, हम खुद जा रहे हैं, फिर ठेकेदार बार बार वही बात क्यों ला रहे हो आप लोग? लेबर ऑफिसर जैसे सूचना की है, मैं तुरंत यहाँ उपस्थित हुआ। पुलिस बल और राजस्व विभाग के अधिकारी भी यहाँ उपस्थित थे और सभी लोगों का बयान दर्ज किया गया है। सभी श्रमिकों द्वारा बताया गया कि वे अपने स्वयं से दिहाड़ी के लिए अन्य राज्यों में जाया करते हैं और हमेशा परंपरागत जाते हैं। इनको, इन लोगों के द्वारा ये भी बताया गया कि ये पंचायत स्तर में किसी प्रकार का सूचना नहीं दिए हैं और वास्तव में यदि कोई ठेकेदार ले जाता है तो इनको अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 के तहत इनको लाइसेंस भी लेना पड़ता है, लेकिन कोई ठेकेदार द्वारा इन लोग नहीं जा रहे, अपने स्वयं से जा रहे हैं, तो इसीलिए हम इसमें आगे कार्रवाई नहीं कर सकते। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम के साहू, लेबर इंस्पेक्टर जांजगीर चांपा। जी क्या नाम है आपका? हाँ सुरेश। कहाँ जा रहे हैं? जम्मू। अच्छा, यहाँ कलेक्टर का पंजीयन है, आदेश लेके गए हैं पंचायत से किसी से? ना सर। क्यों? तो दिहाड़ी करने जा रहे हैं। पंजीयन तो करा के जाना है ना जिला से, क्यों नहीं? अच्छा, नहीं करवाएं तो उसका जवाबदारी? नहीं करवाएं कहा था? कहा रहा था? पीड़ा। कौन से जिला में रहते? मालखोटे से। जी क्या नाम है आपका? अमरलाल खूटे। कहाँ जा रहे हो? पंजाब। आप
पंजीयन कराए हैं जिला जांजगीर से। किस चीज का पंजीयन, कैसा पंजीयन, बाहर जाने का, कहाँ पर हो रहा है, किसको बताए हैं, कलेक्टर बोले हैं, कहाँ पर से आदेश निकाला है, नहीं बोले हैं क्या? नहीं, हम लोग को पता ही नहीं है। ऐसा हाँ, कौन से न्यूज चैनल में बताए हैं इसको?